गाइज व्हाट्स अप, आई एम मेघा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। येस आई एम बैक विथ अ फुल फ्लेजेड व्लॉग। मुझे पता है कि मैंने पास्ट कुछ दिनों से कुछ भी वीडियोस नहीं डाले हैं। आई कुडंट मेक एनी कंटेंट फॉर यू गाइज, आई मिस्ड यू सो मच एंड आई एम सॉरी कि मैंने कोई भी वीडियो नहीं की है लास्ट टू वीक्स, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स थी पर्सनली। तो लेट इट बी, बट येस आई एम बैक अगेन एंड येस आई एम व्लॉगिंग टुडे। बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मेरा बर्थडे भी आ रहा है, बर्थडे भी आ रहा है एंड येस। तो ये बेसिकली एक प्री बर्थडे व्लॉग होने वाला है, मतलब प्री बर्थडे वीक है। टुडे इज 2nd of June एंड राइट नाउ इट्स 5:35 PM एंड गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, गर्मी बहुत 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 ज़्यादा है। बारिश की तो कोई नामो निशान नहीं है। तो मेरा हालत अभी कुछ ऐसा है, एक बन बना के रख दिया है मैंने। बस आजकल मेरे घर में मुझे ऐसे ही पाओगे आप लोग जब भी देखोगे। तो यस, बस अभी मैं जाऊँगी, फ्रेश होंगी, देन आई विल गेट रेडी टू गो फॉर माई शॉपिंग। येस, मम्मी पापा के साथ मैं अभी निकलूँगी शॉपिंग के लिए, बिकॉज मुझे अपने बर्थडे के लिए ड्रेस चाहिए ऑब्वियसली। एंड येस, तो कैसे हो आप सब लोग? आई मिस्ड यू अ लॉट गाइस, आई मिस्ड यू अ लॉट। बट मैं कोशिश करूँगी कि और कोई ब्रेक मैं ना लूँ एंड ये जो 2 weeks का एक लॉन्ग गैप हो गया है, मैं कोशिश करूँगी कि इसे रिकवर कर पाऊँ, कवर अप कर पाऊँ। तो प्लीज़ मेरे साथ रहना। एंड यहाँ पे दीदा है, दीदा हाय, दीदा बोल से हाय। एंड दीदा अभी जा रहे हैं कहीं पे, मामा बारी पे एक्चुअली। तो शी इज़ ऑल्सो गेटिंग रेडी एंड अभी मैं बनाऊंगी चाय। यस, द ओनली थिंग आई कैन मेक इज चाय। तो अभी मैं बनाऊंगी उन लोगों के लिए चाय, बिकॉज मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, बिकॉज मुझे पता नहीं है गर्मी में लोग चाय कैसे पी लेते हैं। बट मेरी पापा तो अल्ट्रा लीजेंड है, मतलब दिन में उसे 3-4 बार चाय कोई बात ही नहीं है उसके लिए। एंड मेरी दादी भी सेम है, तो आई डोंट नो कैसे कर लेते हैं ये लोग। बट येस, आई एम गोना मेक टी फॉर देम। तो लेट्स गो, लेट्स डू दैट राइट नाउ एंड देन आई विल सी यू गाइस। पापा भी रेडी हो चुके हैं, अभी हम लोग निकलेंगे बस। एंड बहुत ही कैजुअल सा आउटफिट है, बिकॉज गर्मी इतनी है, बाल तो मेरे देख सकते हो कि वही है सेम स्टाइल। एंड यस, बस एक टी शर्ट, जॉगर्स एंड हम लोगों को, लेट्स गो, देखते हैं कि क्या ड्रेस लेते हैं। आज है संडे, तो आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये लड़की कहाँ से आ टपकी है। स्टार्ट तो व्लॉग की थी फ्राइडे को, आज संडे कैसे हो गया? तो आप लोगों को मैं वो स्टोरी बाद में बताती हूँ, पहले मैं अभी जाती हूँ फ्रिज से खाना निकालने, इसका भी स्टोरी मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। नाउ लेट्स गो, पहले खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं। ओके गाइस, तो मैं फटाक से आप लोगों को एक बैक स्टोरी दे देती हूँ कि फ्राइडे के बाद आज संडे इतने गैप में क्यों, क्योंकि ये तो मैंने कहा था कि वीक व्लॉग होने वाला है, तो कहाँ चली गई थी मैं एंड फिर अचानक से इतनी ड्रेस्ड अप होके क्यों आई हूँ बताती हूँ। पहले तो आप लोगों को पता है कि मैं फ्राइडे को गई थी शॉपिंग के लिए एंड मैंने ड्रेस ली। फिर हम लोग घर आ गए वापस खाना वाना लेके,
तो आने की बात, मैं जब घर पे आके वो ड्रेस ट्राई कर रही थी तो हम लोगों को पता चला कि साइज़ में कुछ झोल हो गया है। मतलब मुझे चाहिए था एस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप पता नहीं क्या हुआ, बट हम लेके आए एम। तो मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया और ये मैं बात कर रही हूँ फ्राइडे नाइट की। तो मेरा मूड तो उस वक्त बहुत ख़राब था, तो मैंने उस दिन और व्लॉग नहीं की। दिन आती है सैटरडे की बारी, और सैटरडे को आप लोगों को पता है कि मेरा सुबह ट्यूशन क्लासेस रहता है, तो एज़ यूजुअल मैं ट्यूशन के लिए गई और आने की वक्त मैं उस ड्रेस को एक्सचेंज करके जो मेरा साइज़ है एस उसमें लेके आई। तो इतनी गर्मी थी सैटरडे को कि घर आने के बाद आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। बहुत ही मुझे ऐसे बुरा फीलिंग्स हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने ब्लॉग को सैटरडे कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आज है संडे, आज घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मम्मी एंड दादी गए हैं मामा बाड़ी को, मम्मी कल गए हैं एंड दादी फ्राइडे को ही चले गए थे, एंड पापा गए हैं ऑफिस। तो मैं पूरी अकेली हूँ घर पे, और खाने के लिए मुझे खाना बनाना नहीं आता। गाइस आई नो इट्स अ बैड थिंग, वी शुड नो द लाइक क्या होते हैं जो सिंपल सी चीज़ें होती है, राइस एंड दाल हम लोगों को आना चाहिए फॉर डेली लाइफ एंड बेसिक है ये तो बहुत। बट आई डोंट इन्जॉय कुकिंग, सो मैं जाती नहीं हूँ कुक करने। तो आज प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, क्योंकि मम्मा सब कुछ रेडी करके रखे गई है, मतलब पुलाव है एंड करी भी है कुछ, तो मैं वो ही बस मुझे वो गरम करना है एंड देन आई विल बी गुड टू गो। तो ये था पूरा स्टोरी कि मैं कहाँ गई थी, और मैं आप लोगों को आज का सीन दिखा देती हूँ कि मैं इतनी सज धज के घर में क्यों बैठी हूँ। जनरली मैं ऐसे नहीं बैठती हूँ, और गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं, बट आज किया है मैंने एक शूट इस लुक का, जो कि एक बहुत ही इजी क्विक लुक है, एंड इस ब्लॉग के पहले ही आप लोगों को ये लुक दिखने को मिल जाएगा। और बहुत सारे वीडियोज़ भी आने वाले हैं जून में, बिकॉज इट्स माई बर्थडे मंथ, तो ऑब्वियसली वीडियोज़ तो आएंगे ही, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि अभी क्या खिलाड़ा डला है, जो कि मुझे अभी साफ करने हैं, एंड देन मैं फटाक से जाऊँगी और अपना खाना गर्म करूँगी और लंच करूँगी, बिकॉज मुझे भूख बहुत लगी है, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, क्योंकि मैं अकेली हूँ एंड घर का सारा काम मुझे करने पड़े, लाइक झाड़ू वगैरह हम खुद ही कर लेते हैं, और वो सब किया एंड पूजा दिया, तो बहुत टाइम चले गए उसमें, एंड फिर मैंने ये शूट कंप्लीट की, एंड नाउ मैं ये सब सॉर्ट आउट करके जाऊंगी, खाना तैयार करने, तैयार तो करना नहीं है कुछ, तो उसके बाद करूंगी मैं लंच देखने की वक्त मैं क्या देख रही होती हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो लेट्स गो, बहुत बक लिया है मैंने, 4 मिनट्स हो गया है मैं ऐसे ही बकी जा रही हूँ। आप लोगों को दिखा देती हूँ कि अभी हालत क्या है मेरी टेबल की, जहाँ पे मैंने मेकअप की सारी चीज़ें रखी हुई थी। ये है अभी हालत पूरी, एंड आई नीड टू सॉर्ट इट आउट, सो लेट्स डू दैट। आप लोगों को मैं और एक चीज़ दिखाऊँ, लुक एट दिस इयररिंग गाइज, दिस अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई इयररिंग, देख सकते हो आप। तो मैंने ये ली है लोकल ट्रेन से, हाँ, तो आई जस्ट लव दिस इयररिंग, और मेरे पास इसी स्टाइल में एक ब्लैक कलर में है, तो अभी तो ये वाइट और ब्लैक ही है, और ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, तो शायद मैं और भी कुछ कलर की ले लूँ जब नेक्स्ट डे मैं ट्यूशन के लिए जाऊँ, बिकॉज तभी मुझे ट्रेन में जाने के लिए होता है। तो अभी चलते हैं, मेकअप रिमूव करते हैं, बिकॉज गर्मियों में मुझे ऐसे नहीं रहना है, मुझे अपने फेस को और ज़्यादा तंग नहीं करना है,
तो फटाफट मैं मेकअप रिमूव करती हूँ, थोड़ा सा स्किन केयर करती हूँ एंड देन आप लोगों से मिलती हूँ। सो हेयर आई एम विथ माई लंच। तो अभी मैं करती हूँ फटाक से लंच एंड देन रेस्ट करूँगी एंड मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में, बिकॉज मेरी फ़ोन की भी बैटरी अभी डेड हो चुकी है, मतलब होने वाली है। तो अभी मैं लंच करती हूँ और मस्त अपना यूट्यूब इंजॉय करती हूँ एंड आई विल सी यू गाइज सून। Hey guys, what's up? It's Tuesday and it's 6th of June and it's 3:45 PM right now and I'm going to get my nails done. Neha, you guys know her. She's my best friend and she's a nail artist. So I'm going to her place to get some beautiful nails for my birthday. And it's too much hot right now. Bahut zyada garmi hai. टेम्परेचर कुछ 38 degrees समथिंग है, बट हम दोनों का और कोई टाइम नहीं निकल पा रहा था, मैच नहीं हो पा रहा था कुछ भी, तो यही टाइम हम लोगों ने चूज़ किया। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि वो कॉल करेगी और मैं निकलूँगी घर से अभी। आई एम रेडी जस्ट वेट कर रही हूँ उसके कॉल के लिए एंड यस लेट्स गो। आई विल सी यू गाइज वंस आई रीच your place. Nail ingredients and here is my nail artist. और चोखे इन्फेक्शन हो जाता है, चोख ढकड़े गए थे। हेलो हाय, दो हाथ दिए हेलो करते बोले दे कि नेल्स कर भी तू आज के हमार हाथे रोपोर ওটা হচ্ছে আমরা একটা গেম করব, গেমই না ডিসাইড হবে সেটাই কন হবে। यस ओके, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, मतलब मैंने नहीं, इस लड़की ने। अभी देखते हैं कि कैसे टर्न आउट होता है। ओके, माई नेल्स आर डन। तो मतलब के पौड़े, मतलब मैं आप लोगों को बाद में ठीक से दिखाऊंगी कि मैंने किया क्या है। एंड हियर माई नेल आर्टिस्ट, थैंक यू सो मच। अच्छा, जरा जरा इटा बांगलाते ही दी, जरा जरा माने हमार आशेपाशे थको, ये देखो हमार नुकटा कत सुंदर कर दिए, जरा जरा आशेपाशे थको, तारा जदि क्यों एरकम नेल्स करते जाओ देन कन्टैक्ट करो नेहा पाल के,
আমাকে বলবে, আমি সব ডিটেলস দিয়ে দেবো। বা ওকে ফেসবুকেও সার্চ করতে পারো, ইনস্টাগ্রামেও সার্চ করতে পারো, সোশ্যাল মিডিয়া কুইন ও সব জায়গায় আছে, ইউটিউবেও আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে টাটা, এখন যাব বাড়ি, আর দেখা হচ্ছে তোমার সাথে বার্থডেতে। টাটা, টাটা গাইস, টাটা। তো নাও আই এম হেডিং ব্যাক টু হোম অ্যান্ড নেহা ও যাচ্ছে আমাকে একটু এগিয়ে দিতে। হে গাইস, হোয়াটস আপ? সো দিস ইজ দ্য নেক্সট ডে অ্যান্ড কাল মে আ গই থি নেলস করবা কে, আপ লোগোনে দেখা হ্যায় অ্যান্ড ইট ইজ লুকিং সো প্রিটি অ্যান্ড ইয়েস। তো মে আ গই থি কাল রাত কো নেলস করবা কে, বট দেন আই কুডেন্ট ব্লগ বিকজ আই ওয়াজ সো টায়ার্ড, ইতনি গরমি থি বাহার। তো উসকে বাদ মে আকে ব্লগ নাহি কিয়া মেনে। তো অভি মে আপ লোগো কো এক বহুত হি ইন্টারেস্টিং সি চিজে চিজ দিখাতি হু। लेट्स गो, पता नहीं उस जो चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ उसका उसको हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लेट्स गो। दादी ओके, तुम्हें हमें डिस्टर्ब करबो ना, तुम रान्ना करो, टाटा। गाइस बरिया, इसे बंगाली में ना आम शत्तो कहते हैं, मुझे नहीं पता कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं, बट यस, मैंगो को ऐसे ही करके बस सूखने के लिए दे दिया गया है धूप से। बरिया ये जब सूख जाएगा तो हो जाएगा प्रिपेयर आमशत्तो। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट यस ये आप लोगों के साथ शेयर करना था। Hey guys, what's up? I'm so sorry because I totally forgot that I was vlogging and aaj hai Friday and kal matlab Saturday ko hai mera birthday aur yes, main abhi aa gayi hu shower leke and now it's time to shave my face and some skincare. Basic sa hai, main zyada kuch karti nahi hu because less is more. तो अभी करते हैं फटफट से एंड फिर से आई एम सो सॉरी क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैं व्लॉग कर रही थी बिकॉज इतना गर्मी थी, गर्मी है अभी भी, तो टोटली फॉरगॉट। तो लेट्स, तो आई यूज अ रेजर लाइक दिस, सो आई यूज इट टू शेव माई फेस। और शेव करने से पहले मैं एक एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ बिकॉज ड्राई फेस पे शेव करना अच्छा नहीं होता है स्किन के लिए, तो इसलिए मैं ये वाला एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। दिस फ्रॉम हिमालया। तो लेट्स स्टार्ट। Time for skincare and first I'm gonna use a toner.
last but not the least, sunscreen. So much. Okay, so this is it for today. I'll see you in my next video or next vlog. Till then, take care, tata, and goodbye.